आज हम बनाएंगे एक ही दाल से दो तरह का स्वादिष्ट और झटपट बन जाने वाला नाश्ता। तो ये है मूंग की दाल। इसको हमने 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। दाल को हमने पीस लिया है और दाल हमें एकदम महीन नहीं पीसनी है। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। पीसते समय हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि मूंग की दाल पीसते समय गीली हो जाती है। अब हमने दाल को आधा आधा कर लिया है। एक कटोरी दाल को हम अलग रख लेंगे। इस बची हुई दाल में डालेंगे हम आधा कद्दूकस किया हुआ कच्चा आलू, एक प्याज कटा हुआ, जीरा, जीरा, थोड़ी सी हींग, नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल भी गर्म हो गया है। अब इनकी हम स्वादिष्ट और चटपटी पकौड़ियां तलेंगे। अच्छी तरीके से इनको हम तल लेंगे। और बाकी की पकौड़ियाँ भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। पकौड़ियाँ हमारी सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इससे इन पकौड़ियाँ का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। हमारा एक झटपट नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप इनको किसी के भी साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। बनाएंगे इसी दाल से अपना दूसरा नाश्ता। जो दाल हमने एक कटोरी अलग रख दी थी, थोड़ी सी हींग, थोड़ा जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। इस दाल को हम इसी कटोरे में पलट लेंगे। सारे मसाले इसी में डाल लेंगे। के जार में बहुत ज्यादा दाल लगी हुई थी, उसमें से हमने थोड़ा सा पानी डाल के दाल को धुल लिया है और ये वो पानी है। हम इसी दाल में डाल लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। घोल अभी बहुत गाढ़ा है, इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। अब 2 मिनट के लिए इसको हम ढक कर रख देंगे। घोल भी तैयार हो चुका है। अब इस घोल के हम छोटे छोटे चीले बना लेंगे। तो आप छोटा बड़ा अपने मन पसंद आकार का बना सकते हैं। बच्चों के लिए अगर हम बनाते हैं तो छोटे छोटे चीले बच्चों को ज्यादा पसंद आते हैं। किनारों पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। चीले को हमने पलट दिया है। अब दोनों तरफ से चीले को हम तेल लगाकर धीमी धीमी आंच पर लाल होने तक सेक लेंगे। मूंग की दाल का चीला दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। एक ही दाल
से दो तरह के बनने वाले हमारे दोनों नाश्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, बना के बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, शाम के टाइम चाय के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।